ये ब्रह्मांड आपको वही देगा जो आप संभाल सकते हो। क्या होता है कि आपकी यदि क्षमता है एक्स मिलाने की तो आपको एक्स मिलेगा, आपको आपकी जितनी क्षमता है ना उतना ही ब्रह्मांड आपको देगा। तो चलो आइए देखते हैं कि ये कैसा संभव है, कैसा होते रहता है, उसके पास में उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति लगी हूँ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करो। क्या होता है कि हमको हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो क्षमता है, जो क्षमता है उतना ही हमको ब्रह्मांड देगा। हमारे पास में क्षमता है नहीं है तो ब्रह्मांड देगा ही नहीं। दूसरे वाक्य में इसको ऐसा बोलना है या ऐसा स्पष्टीकरण दे सकते हैं, जो भी चीज के लिए आप तैयार हो, आपने तैयारी करके रखी हुई है या आपके पास में ऐसी एक स्पेस आपने बना के रखा हुआ है, एक क्लियर स्पेस है, तो वो स्पेस में वो सब दिखने लगेगा। और वो नहीं है तो नहीं होगा। जैसा कि एक ब्लैक बोर्ड है, अब ब्लैक बोर्ड जो है वो क्लियर है, कुछ भी लिखा नहीं, एकदम क्लियर है, तो फिर उसके ऊपर हम कुछ भी लिख सकते हैं। और ब्रह्मांड की कोई भी चीज आके उसके ऊपर कुछ भी लिख सकती है और कुछ भी हो सकता है वहां। या क्रिकेट का मैदान है, अब क्रिकेट का मैदान क्या है, क्रिकेट का मैदान ऐसी स्पेस है कि वहां क्रिकेट खेला जाए। यदि आप ऐसे हो कि जहां बहुत बिजनेस चल के आने वाला है, बहुत पैसा आने वाला है, ऐसी क्षमता आपने अपनी बनाई हुई है, ऐसा स्किल्स एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग आपने किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपके पास में वो आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको जो भी कुछ करना है उसके लिए अपने आप को पहले तैयार करने पड़ेंगे, अपने आप को पहले तैयार करना होगा, अपना माइंड सेट बदलना होगा, मैं ये कर सकता हूँ वो अपने आप में विश्वास लाना पड़ेगा। फिर अपने दिमाग में जो विचार चालू रहते कि मैं छोटा हूँ, मैं इतना होशियार नहीं हूँ, मेरे से इतना होगा नहीं, मैं ये कर नहीं सकता, वो लोग ज़्यादा होशियार है, कॉम्पिटिशन बहुत है, मेरे लिए संभव नहीं है, मैं फेल ही होते रहता हूँ, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, ऐसी काफ़ी चीज़ें जो है वो हटा के अपना माइंडसेट बदल के कि नहीं, मैं एक ऐसी जगह हूँ, मैं एक ऐसी स्पेस हूँ कि जहाँ कोई भी चीज़ आके वो मैं समा के ले सकता हूँ या समा ले सकता हूँ, तो फिर बिजनेस भी आता है, बड़ा होता है, पैसा भी आता है, बड़ा हो जाता है, मतलब आता है तो ये आदमी इतना बड़ा हुआ है, हम खुद इतने बड़े हैं कि उसको संभालेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड वही देगा जो आप संभाल सकते हैं। देखिए आपने बहुत बार देखा होगा कि सामान्य आदमी रहता है, उसको लॉटरी लग जाती है, लॉटरी लगने के बाद में पैसा काफ़ी आता है, मगर पैसा वहाँ से उसके हाथ से निकल जाता है, क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं उसको संभालने की। तो फिर ब्रह्मांड क्या करता है, पैसा आ गया बाय चांस, लॉटरी लग गई, ब्रह्मांड वो निकाल लेगा, क्योंकि उसकी क्षमता है नहीं, तो ब्रह्मांड ने देने के बाद, मतलब लॉटरी ने देने के बाद में ब्रह्मांड निकाल लेगा। तो आपको कुछ भी चाहिए तो आपने आपका खुद का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना जरूरी है, आपको अपने आप को बड़ा करना होगा, अपने आप को अपने आप में बड़ी सोच लानी पड़ेगी, अपने आप का विकास करना पड़ेगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ताकि जो भी कुछ आप सीखते हो, जो भी कुछ आपके पास में आता है उसको आप समा सकोगे। तो ये यदि आप करते हैं तो ब्रह्मांड से कुछ भी चीज़ें आ सकती है, क्योंकि आप दूसरा एक इसमें ये है कि आप जो भी ब्रह्मांड को मांगते हैं वो आपको मिल जाता है, आप ही कंजूस है कि आप मांगते नहीं हो, और आप मांगो तो ब्रह्मांड से मिल जाएगा। ब्रह्मांड से तभी मिलेगा जब आप मांगोगे, और आपको तभी मिलेगा जब अपने आप को आप डेवलप करेंगे। तो डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। हम क्या बोलते हैं कि नहीं, मुझे पहले आने दो फिर मैं अपने आप को डेवलप करूंगा, ऐसा नहीं रहता। अपने आप को पहले डेवलप करो, बाद में आपके पास में चीज आएंगी। क्योंकि देखो सिंपल नियम है कि समझो एक किसान है, उसने बोला कि नहीं नहीं मुझे ना बहुत फसल होनी चाहिए, फिर मैं जमीन की बहुत केयर लूंगा और जमीन को मैं बहुत अच्छा तैयार करूंगा, ऐसा नहीं होता। फिर जमीन को तैयार करना पड़ता है, अच्छा बीज रोना पड़ता है, बोना पड़ता है, और वो बोने के बाद में फिर उसको फसल मिलती है। एग्जाम में मैं अच्छे मार्क आएंगे तो फिर बाद में मैं पढ़ाई करूंगा, ऐसा नहीं रहता। पहले पढ़ाई करो, बाद में अच्छे मार्क आएंगे। वैसे ही है कि भाई पहले अपने आप को तैयार करो, आप अपने आप को तैयार करेंगे, यूनिवर्स आपको सब चीज़ें देंगे जो आपको चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।